गुड इवनिंग बच्चों, सेशन 3 के एक्सरसाइज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इसमें आज एक और चीज जोड़ दी गई है जिसे आप PQRS के नाम जानते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट के रूप में या पैरा जम्बल सेंटेंसेस रूप में बैंकिंग वर्म दिए जाते हैं। SSC में उसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस सारी एक्सरसाइज को शुरू से ही सॉल्व करते जाइए। सेशन 1 से जो मैंने एक्सरसाइज दी वहां से लीजिए, पूरा सॉल्व करते चलिए और एक दिन आपकी वर्ड पावर की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन तभी जब आप इसके साथ एडिटोरियल पढ़ करके सॉल्व करेंगे। तब अगर आप केवल इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे आपको तैयार नहीं होगा, रटना पड़ेगा आपको। और अगर एडिटोरियल पढ़ते हुए तैयार करेंगे तो वाक्यों में पढ़ते पढ़ते अपने आप ये वर्ड्स आपको तैयार हो जाएंगे और तब आप आराम से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये देखें सामने आपके है, सबसे पहले ये वर्ड पावर की एक्सरसाइज है आपके सामने और बोलें कौन से आंसर्स होंगे। पहला वर्ड देख रहे होंगे, आपका वर्ड था डिवाइस। अगर आपको याद हो डिवाइस का सरनेम क्या होगा, बोलें रिसीव प्राप्त करना, कॉन्सीव विचार करना, डिसीव धोखा देना या परसीव किसी चीज के बारे में सोचना, क्या होगा? याद आ रहा आपको डिवाइस मीन्स क्या होते हैं? डिवाइस की जो हिंदी है वो किसी चीज को इजाद करना, मीन्स उसको ढूंढ निकालना, उसको सामने ले आना, रचना करना कह सकते हैं। तो क्या होगा इन चारों में से? क्या रिसीव होगा प्राप्त करना? नहीं। क्या कंसीव होगा विचार करना? बिल्कुल। चिंतन करना, विचार करना, इजाद करना, नई नई चीजों के बारे में सोचना, दिस इज डिवाइस करना। तो जो सिनोनिम होगा डिवाइस का वो क्या हो जाएगा आपका? कंसीव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है कंटेन। कंटेन का सिनोनिम यहां पर क्या हो? कोल्ड, शोल्ड, मोल्ड या होल्ड, क्या हो? कंटेन मीन्स याद है आपको, कंटेनमेंट इस एडिटोरियल के हिसाब से कंटेनमेंट नियंत्रण करना, किसी चीज पर लगाम लगाना, तो क्या होगा? कोल्ड होगा? नहीं। सोल्ड होगा सेल की सेकेंड फॉर्म? नहीं। मोल्ड होगा क्या? मोल्ड मीन्स आकार देना, शेप देना? नहीं। होल्ड होगा? बिल्कुल होगा। होल्ड मीन्स नियंत्रित करना, पकड़ में रखना। तो कंटेन का सिनोनिम हो जाएगा होल्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं हमारे सामने, ये है एपिडेमिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एपिडेमिक का सिनोनिम क्या होगा? पैंडेमिक होगा, प्लेग होगा, एंडेमिक होगा या सेरेमिक होगा? बोले बच्चों इनमें से कौन सा होगा? एपिडेमिक का वैसे ही पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर आपको लेना होगा तो कौन सा होगा वो जो आपकी एडिटोरियल के हिसाब से मैंने वर्ड मीनिंग में आपको दिया हुआ था, याद है आपको? ये प्लेग। पैंडेमिक मैंने बताया था जो हर जगह सर्वत्र व्याप्त हो वह पैंडेमिक होता है, कोई भी चीज। एंडेमिक क्या होता है आपका? एक विशेष वर्ग तक, ठीक, एक कमरे के एक विशेष वर्ग तक, एक विशेष समय पर जो हो वो एपिडेमिक होता, एंडेमिक होता है। और एपिडेमिक क्या है? महामारी के रूप में अर्थात बड़े वर्ग पर जो फैला हुआ हो वो एपिडेमिक होता है। सिरेमिक जानते होंगे, सिरेमिक बर्तन को कहते हैं, जो आपकी मोबाइल वगैरह भी आ रही होंगी तो उनका जो बैक स्लाइड होता है वो कहीं कहीं सिरेमिक का बना होता है, ठीक है, कुछ मोबाइल्स में। मीट द क्राइटेरिया, मीट द क्राइटेरिया का सिनोनिम क्या होगा? देख लें बच्चों, मीट द क्राइटेरिया याद आ रहा आपको? मीट द क्राइटेरिया का लुलबाई होगा, मीन्स एक तरह से लोरी के रूप में। क्या नलिफाई होगा? किसी चीज का अंत कर देना, एक तरह से रद्द कर देना, स्पेशली किसी नियम कानून वगैरह को। क्या सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल होगा। सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना किसी चीज को, और जस्टिफाई मीन्स किसी चीज को न्याय संगत ठहराना। तो सेटिस्फाई संतुष्ट करना, खरा उतरना, तो मीट द क्राइटेरिया का हो जाएगा सेटिस्फाई। नेक्स्ट वर्ड आपका है अपटिक। शब्द को देख के भी आप समझ सकते हैं बच्चों, अपटिक का सिनोनिम क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होना, नीचे की तरफ जाना,
कैटास्ट्रॉफिक होगा मीन्स आपत्ति यानी सॉरी मीन्स कोई विपत्ति कोई आपदा से भरा हुआ। राइज होगा मीन्स उठना या डिक्लाइन होगा मीन्स गिरना। क्या होगा यहां पे अपटेक का? अपटेक मीन्स पढ़ना हल्का थोड़ा सा बढ़ना, तो अपटेक का सरनिम क्या हो जाएगा राइज, बाकी कोई मिलेगा नहीं। डिक्रीज और डिक्लाइन तो उसके एंटोनिम्स हैं और कैटास्ट्रॉफिक का अपटेक से कोई मतलब नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स आपके हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का सरनिम क्या होगा? एवरलास्टिंग ट्रांजियंस नेगेटिविटी या न्यूसेंस, क्या होगा? एवरलास्टिंग मीन्स होता है जो हमेशा चले, दैट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ एंड, जिसका कोई अंत ना हो वो एवरलास्टिंग होता है। ट्रांजियंस क्या होता है? जो टेम्पररी होता है मीन्स जो समाप्त होने वाला होता है वो ट्रांजियंस होता है। न्यूसेंस क्या होता है? कोई बाधा कोई अवरोध कोई उपद्रवकारी जो होता है वो न्यूसेंस होता है। नेगेटिविटी क्या होती है आपकी? नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता। तो मॉर्टलिटी का क्या होगा? याद आ रहा आपको, मॉर्टलिटी मीन्स नश्वरता जो नष्ट हो जाए। तो इसमें जो ऑप्शन उनमें कौन सा ऑप्शन है? ट्रांजियंस, जो नष्ट हो जाए वो ट्रांजियंस या मॉर्टलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कोलैट। देख लें सरनिम के रूप में क्या होगा कोलैट। कोलैट का सरनिम कलेक्ट गार्निश डिस्पर्स या डेविलिश, क्या होगा बच्चे? कोलैट आपको याद है, कोलैट मीन्स इकट्ठा करना असेंबल करना अक्यूमुलेट करना गैदर करना मीन्स कलेक्ट करना अर्थात इकट्ठा करना। गार्निश याद है आपको, गार्निश मीन्स सजाना। जब आप भोजन वगैरह को डेकोरेट करके रखते हैं तो आप उसे गार्निश करते हैं। डिस्पर्श क्या होता है? जो चीज विरल हो जाए फैल जाए बिखर जाए वो डिस्पर्श करना होता है, बिखर जाना। और डेविलिश क्या होता है? डेविल प्लस ISH एडजेक्टिव का सफिक्स है। डेविलिश मीन्स दैत्य जैसा दानव जैसा। ठीक है, तो कोलैट का सरनेम कलेक्ट इकट्ठा करना। चलिए ये वर्ड देख ले आठवें से। आठवां वर्ड है आपका इंपॉर्टेंट इस लिहाज से जो चल रहा है क्वारंटाइन। वैसे कुछ चैनल से क्वारंटाइन भी पढ़ रहे हैं, तो क्वारंटाइन का सरनेम क्या होगा? एक्सोनरेशन सर्विलांस लॉकआउट या आइसोलेशन, क्या होगा बच्चों? क्वारंटाइन का याद आ गया, क्वारंटाइन का जो सरनिम है आपको बिल्कुल आसान है आइसोलेशन। एक्सोनरेशन क्या होता है? माफ कर देना मुक्त कर देना किसी को, दोष से मुक्त कर देना, उसे रियायत दे देना, कहीं कहीं एग्जेम्पशन देना उसे। सर्विलांस जानते होंगे आजकल एक तकनीक है जिसके द्वारा आप कहीं भी हो आपके नंबर पे अगर आपका नंबर ऑन है तो उससे आपको पता कर लिया जाएगा आप यहां पर हैं। ठीक है, ये सर्विलांस है, सर्वे से बनाए बच्चों निरीक्षण करना। तो सर्विलांस की स्पेलिंग जो है वो भी आपके एग्जाम्स में आपको स्पेलिंग एरर में दिया जाता है। इसका क्लू है SURVEY नहीं होता है, आई हो जाता, बाकी LLAN से सर्विलांस होता है। नेक्स्ट आइसोलेशन जानते हैं। लॉकआउट क्या होता है? बाहर कोई परेशानी हो कोई दिक्कत हो तो बाहर वालों को अंदर ना आने दिया जाए और अंदर वालों को बाहर ना दिया जाए तो ये बाहर ना जाने दिया जाए तो ये लॉकआउट होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू कम इनसाइड एंड द पीपल हु आर इनसाइड आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, दिस इज द कंडीशन ऑफ लॉकआउट। ओके, तो क्वारंटाइन का सरनेम आइसोलेशन हो जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए बच्चों। क्वारंटाइन होता है कि आप संपर्क में आ चुके हैं, यानी संक्रमित लोगों के जो कंटाजियस लोग हैं उनके संक्रमित लोगों के संपर्क में आप आ चुके हैं, लेकिन अभी आप में सिम्टम्स उजागर नहीं हो रहे, लक्षण दिख नहीं रहे, तो आपको अलग कर दिया गया, मीन्स ये क्वारंटाइन करना होगा। आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन मीन्स लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन आप अभी उनके संपर्क में नहीं आए हैं, उससे पहले ही आपने अपने आप को अलग कर लिया एकांत में कर लिया तो आप आइसोलेशन में चले गए। ठीक है, ये दोनों का क्वारंटाइन का आइसोलेशन का डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट इसी वर्ड है, ईडियम है आपका, आना चाहिए आपको, चीक बाय साउंड, क्या होगा बच्चों इसका?
इडियम है इंपॉर्टेंट आपका चीक बाय साउथ, याद है आपको, क्या ऑल टुगेदर होगा पूरी तरह से, या क्लोज टुगेदर होगा पास पास साथ साथ, या ऑल टुगेदर होगा सब लोग साथ साथ, या टुगेदर विद होगा के साथ साथ। ये सारे ऑप्शंस मैंने खुद बनाए हैं बच्चों, तो आपके ये काम आएगा। असली मेहनत हमारी सचिन की और राजू है, ये तीन लोग करते हैं अब जो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो आप भी इसमें कहीं कहीं इसका फायदा लें और एग्जाम्स में बेहतर कर सके आप। तो बोले चीक बाई जाउल के याद है आपको, चीक बाई जाउल में इंश होता है पास पास साथ साथ, एक दूसरे के निकट, तो क्या हो जाएगा क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के क्लोज, पास पास अगर आप हैं तो आप चीक बाय जाउल हैं। और वर्ड पावर का ये लास्ट वर्ड था अकाउंट फॉर, जो एक फ्रेजर वर्ड के रूप में मैंने आपको समझाया था। अकाउंट फॉर क्या होगा, टू गिव मनी पैसे देना, टू मैनिपुलेट किसी को अपने हिसाब से समझाना उसे ढालना, टू गिव अ रिकॉर्ड आंकड़ा देना हिसाब लगाना, या टू स्टिपुलेट किसी को बट अपने हिसाब से ढालना, दोनों खींचे हैं। मैनिपुलेट में क्या होता है आप अपने लाभ के लिए वो करते हैं, और स्टिपुलेट में क्या होता है सामने वाले के सामने एक शर्त रख देते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो ऐसा होगा। दिस इज बंधेज रखना, शर्त रखना, अपने हिसाब से क्रस उसे ढालना। तो अकाउंट फॉर मीन्स क्या हो जाए, अकाउंट फॉर का हो जाएगा ये टू गिव अ रिकॉर्ड मीन्स हिसाब लगाना, आंकड़ा देना, कोई चीज हुई है उसके बारे में बताना कि ऐसा क्यों हुआ है। दिस इज अकाउंट फॉर, ओके, ये वर्ड जरूर तैयार करें। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम इससे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, ये आपकी कॉमन एरर्स हैं, इस सारी एग्जाम्स में आपके काम आएंगे अगर आप मेहनत करते हैं। तो पहला वाक्य देखें कॉमन एरर्स का और बताएं इसमें क्या गलत है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, हैज कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने यानी अधिकतर लोगों ने अपने कार्य समाप्त कर लिए हैं, इन देयर हाउसेस अपने घरों में। मोस्ट ऑफ द पीपल हैज कंप्लीटेड देयर वर्क इन देयर हाउसेस, क्या गलत है बच्चों। अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए की, सीडीएस की, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, जो भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, अगर आप उसमें इंग्लिश है तो हर हाल में ये चीजें आपकी काम आएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। यहां पे हमारा सबसे क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो आप एक चीज यहां समझ लें जो मैं आपको चाहूंगा आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लें। आप देखें कैसे, जैसे कोई वाक्य ऐसे आपका है मोस्ट ऑफ द वर्क, तो वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके बाद जो नाउन लेंगे, अरे वर्ब लेंगे, वो सिंगुलर होगा। मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, है ना। देखिए मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड मैंने लिया, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ किससे जुड़ा है बच्चों, वर्क से, यानी उस कार्य का अधिकतर हिस्सा, ये सेंस है। लेकिन ये वाक्य देखें अब आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, अधिकतर बच्चे अच्छे हैं, यहां ये मोस्ट ऑफ किसका हिस्सा है, स्टूडेंट्स का, तो यहां देखिए मैंने क्या ले लिया, आर ले लिया। ठीक है, ऐसे ही अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, और सम ऑफ वगैरह भी होता है, जिसमें जो नाउन से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से चलेगा। कोई कहे सम ऑफ द वाटर, तो यहां सिंगुलर वर्ब होगी, नहीं सम ऑफ द बॉयज, यहां प्लूरल वर्ब होगी। ये किन से जुड़े हैं ये मायने रखता है, ये मैंने आपके एडिटोरियल में भी आज दिया हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहां समझ गए होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल है बच्चों, यहां पीपल तो प्लूरल है ना, अगर पीपल प्लूरल है तो फिर पीपल के साथ हैज कैसे आ जाएगा, इसका मतलब यहां हैज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क इन देयर हाउस, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ये दूसरा सेकंड प्रश्न आपके सामने है, बोले वी कैन सी, हम देख सकते हैं अलॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन द क्लास, क्लास में, क्या गलत है बच्चों। जो भी बच्चे थोड़े से भी अच्छे होंगे तुरंत उनके समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया आपको, कभी भी अलॉट्स ऑफ नहीं लेते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बच्चों, देखें जो एग्जाम में दिया भी जाता अक्सर आपको, अगर आप और ले रहे हैं
तो फिर लॉट ऑफ लीजिए, और लॉट ऑफ इसके मीन्स क्या होता है, ज्यादा अधिक, और लॉट ऑफ। और अगर आप अ नहीं ले रहे हैं तब क्या ले लीजिए आप, लॉट्स ऑफ ले लीजिए। ठीक है, इस तरह प्रोनाउन के रूप में आप इनका यूज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अ लेंगे तो लॉट्स नहीं होगा, और लॉट्स लेंगे तो ए नहीं रहेगा। तो यहां क्या देखिए, ए दिया गया है ना आपको, अगर ए दिया गया है तो लॉट्स कैसे होगा, क्या होगा, अ लॉट ऑफ होगा, या ए हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ। और यहां भी गलती है आपकी, लॉट्स ऑफ अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए, तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, देख लें। दोज़ विद माइल्ड सिम्टम्स, वो लोग जिन्हें हल्के लक्षण जिनमें दिखाई दे रहे थे ऑफ कोविड 19, किसके, कोविड 19 के, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, जो उस किस पर, फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग, उस प्रायोरिटी टेस्टिंग पर जो खरे नहीं उतर रहे थे, यानी कि उसके योग्य नहीं थे, वो लोग विल नॉट बी टेस्टेड, उनका परीक्षण नहीं होगा। क्या गलत है बच्चों, देखें कॉमन सेंस का प्रश्न है बच्चों, ये ऐसे आपको आजमाया जाता है, दुनिया भी आपको आजमाएगी, अगर आप जॉब वगैरह नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दुनिया आजमाएगी आपको, इसलिए मेहनत कर लीजिए और कोशिश करें गवर्नमेंट जॉब करें अच्छे से, जिसमें आप अपनी जरूरतें नहीं अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हो। बोले बच्चों क्या गलत है, समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सा है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। दोज विद माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड 19, वो लोग जो कोविड 19 में के हल्के हल्के लक्षणों के साथ है, मतलब हल्के के लक्षण हैं उनके अंदर, हु, ये हु किसके लिए है, दोज के लिए, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग, यानी जो प्राथमिक जो टेस्टिंग होती है उस पर मीट द क्राइटेरिया नहीं कर रहे, मीन्स एक तरह से उन्हें टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, विल नॉट बी टेस्टेड, तो उनका टेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखें कौन सा टेस्टेड दिया है मैंने, ये टेस्टेड नहीं होगा बच्चों, ये तो मैंने क्या दिया आपको, इस टेस्ट की मीनिंग जानते हैं, स्वाद लेने के अनुसार होता है ना, स्वाद लेना टेस्ट, अगर आप ये टेस्ट लिखते हैं टेस्ट, तो इसके मीन स्वाद लेना होगा, यहां स्वाद लेने का मैटर नहीं, कोरोना ऐसा है ना, स्वाद लेने का अवसर भी नहीं देने वाला है, तो आपको ये टेस्ट चाहिए था परीक्षण करना, यही ना, तो फिर यहां जो टेस्टेड है ये टेस्टेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्टेड हो जाएगा, पैसिव वॉइस में विल नॉट बी टेस्टेड, देखिए ध्यान से, पैसिव वॉइस है, विल मॉडल है आपकी, और फिर बी है यहां पे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी विल नॉट बी टेस्टेड। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका है, बोलिंग क्या गलत है, देयर इज अपटिक इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, यानी अफ्रीका और साउथ अमेरिका में अपटिक यानी बढ़ोतरी हो रही, मरीज जो वहां पे हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही, क्या गलत है बच्चे यहां, बोलें समझ में आ रहा है आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये वाक्य देखें, और जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हो जरूर देखें वो। ही इज बॉय, I have book. She is a girl. आपको लगेगा बच्चों ये सही है जो मॉडरेट लेवल बच्चे हैं, बट ये तीनों वाक्य गलत है। जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करें पहली बार, वो भी स्पेशली, तो उसकी पहली स्थिति अनुसार ए एन, और अगर आप पहले से जानते हैं तो द का प्रयोग कर लें। अगर आप इस बॉय का उल्लेख पहली बार कर रहे हैं तो ही इज अ बॉय होगा, अगर इस बुक का पहली बार उल्लेख कर रहे हैं तो आई हैव अ बुक होगा, अगर आप इस गर्ल का पहली बार उल्लेख कर रहे हैं तो शी इज अ गर्ल होगा। ठीक है, तो वैसे ही ये अपटिक जो है ना, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो फिर गलत हुआ, ये पहली बार आप यूज कर रहे हैं तो देयर इज क्या हो जाएगा, एन अपटिक इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका हो जाएगा, वैसे ही वहां पे ए लिखा हुआ बट एन लीजिएगा, देयर इज एन अपटिक इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विक इन द यूएस। जो वायरस है अभी भी अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत आसान बच्चों, जिन बच्चों ने मेहनत किया होगा उन्हें ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आया होगा, एक जगह कहीं कुछ छूट रहा है जैसे। कहां पर बच्चों? द वायरस इज स्टिल, अभी भी द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विक इन द यूएस। समझ रहे होंगे बच्चों, इतना तो आना चाहिए आपको धीरे धीरे। अब द वायरस सही है, द वायरस के साथ इज भी सही है, स्टिल अभी भी सही है, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज स्टिल स्प्रेडिंग ये भी सही है। लेकिन ये एक्शन वर्ब है ना, अगर एक्शन वर्ब है तो आप क्या ले रहे हैं बच्चों? क्विक ले रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखें, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ऊपर वाला वाक्य सही हो जाएगा, आई केम सैडो सही है। गलत है बच्चों, ये वाक्य क्या होना चाहिए था? आई केम सैडली होना चाहिए था। क्या ये वाक्य सही है? ही इज रीडिंग केयरफुल सही है। गलत है बच्चों, ये वाक्य क्या होना चाहिए था? ही इज रीडिंग केयरफुली। क्यों? क्योंकि एक एक्शन वर्ब जो ये है आपकी, केम है यहां पे और यहां रीडिंग है, ये एक्शन वर्ब है। एक एक्शन वर्ब को कभी एडजेक्टिव नहीं समझा सकता है बच्चों, ये एडजेक्टिव्स नहीं समझा सकते हैं। एक्शन वर्ब को कौन समझाएगा, कौन उनके बारे में बताएगा? एक एडवर्ब बताएगा। तो ध्यान से यहां देखें, द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग, ये तो एक्शन वर्ब फैल रहा है। जहां पे कोई सब्जेक्ट कार्य कर रहा होता है वो एक्शन वर्ब है, और जहां सब्जेक्ट की अवस्था दिखाई जाती है, उसके रहने न रहने वगैरह की बात की जाती है, तो वहां पे वो बीइंग वर्ब होता है। तो द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग एक्शन वर्ब है, तो आप यहां एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में क्विक नहीं ले सकते बच्चों। आपको क्या लेना होगा? क्विकली लेना होगा, यानी द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विकली इन द यूएस। यानी एक एक्शन वर्ब को एडवर्ब को संभालने दीजिए, न कि एडजेक्टिव को संभालने दीजिए, और एक नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव को संभालने दीजिए, न कि एडवर्ब को संभालने दीजिए। ठीक है, ये वाक्य देखें, अगर आप में जो बच्चे अच्छे हो वो बताएं ये वाक्य सही है या गलत है। ये ज्यादातर बच्चों की टेस्टिंग है बच्चों। ही इज डूइंग दिस वर्क friendly, सही है। He is doing this work friendly. जो बच्चों, जिन बच्चों को लगता हो कि सर यहां doing है यहां पे, तो यहां friendly सही होना चाहिए, वो बच्चे जान लें कि ये जो words है आपके ना friendly, और ये तो मैंने इलाहाबाद में टीचर से भी पूछा था, वो मतलब कंफ्यूजन कही या फिर नहीं, जो भी जानकारी का अभाव रहा होगा, नहीं कर पाए थे वो। तो फ्रेंडली, कावर्डली, स्कॉलरली, फादरली, मदरली, ये ऐसे वर्ड्स है ना, एल वाई लगा है इनमें, फिर भी ये एडवर्ब्स नहीं बच्चों, ये एडजेक्टिव्स हैं। तो यहां डूइंग एक्शन वर्ब था ना आपको, तो आप एडजेक्टिव कैसे ले सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप प्रीपोजिशनल फ्रेज बना लीजिए, ही इज डूइंग दिस वर्क लाइक अ फ्रेंड, ऐसे बना लीजिए। ये तरीका पहला है, ही इज डूइंग दिस वर्क लाइक अ फ्रेंड। और दूसरा तरीका है, ही इज डूइंग दिस वर्क इन द फ्रेंडली मैनर। ये तरीका है, यानी एक तरीका ही इज डूइंग दिस वर्क लाइक अ फ्रेंड, वह एक मित्र की तरह कार्य कर रहा है। दूसरा, ही इज डूइंग दिस वर्क इन द फ्रेंडली मैनर। ये तरीका आपका फ्रेंडली, कावर्डली, स्कॉलरली वगैरह सबके साथ आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली, अ लिटिल मोर देन 4 times those of
स्पेन, क्या गलत है बच्चों? इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली और लिटिल मोर देन फोर टाइम्स दोज ऑफ स्पेन। देख के बताएं कहां पे आपको लग रहा है गलत है। इट समझते होंगे ये अमेरिका के लिए यूज किया गया। इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, सही है, ग्लोबली मीन्स वैश्विक रूप में, और लिटिल मोर देन फोर टाइम्स दोज ऑफ स्पेन। कुछ गलत लग रहा है बच्चों आपको? देखें कहां पे आपको लग रहा होगा कि कहीं कोई गलती हो सकती, और लिटिल मोर देन फोर टाइम्स दोज ऑफ स्पेन, गलत है कुछ? कोई एरर नहीं बच्चों, यहां पे वाक्य आपका सही है। इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली और लिटिल मोर देन फोर टाइम्स दोज ऑफ स्पेन। वैसे फोर टाइम्स के साथ कंपेरेटिव नहीं यूज करना चाहिए, बट उन्होंने किया हुआ था। चलिए दोज ऑफ स्पेन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सातवां। देयर हैज बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड। देखिए बच्चों और बताएं मुझे क्या गलत है, समझ में आ रहा है आपको? देयर से संबंधित एरर है बच्चों, जहां पे मैंने बताया था कि देयर का प्रयोग अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं आप, देयर का प्रयोग उससे जुड़े हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करेंगे आप। तो देयर से क्या जुड़ा है नाउन आपका? 2.1 लाख डेथ्स। तो अगर डेथ्स प्लूरल है तो बच्चों यहां हैज कैसे हो सकता है? क्या लेना होगा आपको? हैव लेना होगा। देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलोन न्यूयॉर्क सिटी हैज 17,515 डेथ्स। अकेले न्यूयॉर्क शहर में 17,515 मौतें हो चुकी हैं। बोले क्या गलत है बच्चों? याद आ रहा आपको एडिटोरियल मेरा, मैंने कहा था बच्चों अलोन जो होता है वो नाउन के पहले नहीं आता है, नाउन से पहले नहीं आएगा, अलोन नाउन के बाद आता है। वनली होता है जो नाउन से पहले आता है। ये वाक्य आप ऐसे कर सकते थे, दो तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। देखें ऐसे, पहला तरीका अगर आपको अलोन से लगाव नहीं है तो आप वनली ले लें, वनली न्यूयॉर्क सिटी, ये तरीका है। दूसरा है आप न्यूयॉर्क सिटी को वहीं रहने दें, है अब आप यहां क्या ले लें? वनली ले लें। ये एक तरीका आपका है कि अलोन है तो उसे नाउन के बाद रखें, और वनली है तो जिसके बारे में बता रहा है उस नाउन से पहले रखें। ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन से नाइन्थ और टेंथ। इंडिया हैज रिपोर्ट ओवर 30,300 केसेस एंड 973 डेथ्स। तुरंत आना चाहिए बच्चों। भारत के पास रिपोर्ट नहीं है बच्चों, भारत ने रिपोर्ट किया, भारत ने बताया है, तो इंडिया हैज के बाद ये वर्ब के रूप में रिपोर्ट को यूज करेंगे। वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो आप जानते हैं रिपोर्ट नहीं क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। इंडिया हैज रिपोर्टेड नॉट रिपोर्ट, बिल्कुल इजी है ये, वैसे ही है जैसे कोई आपसे ऐसे कहे, जैसे कोई कहे आपसे आई हैव टॉक टू हिम, गलत है बच्चों। आई हैव क्या हो जाएगा? आई हैव टॉक्ड टू हिम होगा ना, क्योंकि जब हैव आपने लिया तो फिर आपको क्या लेना होगा यहां पे? टॉक्ड। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका अगर आप समझ सकते हो ऐसे भी, आई हैव और टॉक विद हिम, टॉक को हमने नाउन बना लिया और हैव को मेन वर्ब रूप में। आप इसे और बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसे करें।
आई हैव हैड अ टॉक विद हिम, यानी मैंने उससे बात की है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, तब यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैड आपकी मेन वर्ब हो जाएगी और अ टॉक यहाँ पे नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये देखें टॉक मीन्स बात करना नाउन के रूप में, लेकिन हैव अ टॉक मीन्स भी बात करना होता है। जब हैव अ टॉक मीन्स बात करना होता है तो हैव के आगे ये हैव क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो आई हैव हैड अ टॉक विद हिम, दोनों तरीके से आई हैव टॉक्ड टू हिम या आई हैव हैड अ टॉक विद हिम हो जाएगा। अ टॉक लें तो विद का प्रयोग कर लें और टॉक लें तो टू का प्रयोग कर लें। अ टॉक विद समवन, हैव अ टॉक विद समवन, लेकिन टॉक टू समवन, ठीक है। चलिए अगर मैं कहे तो लिख के आपको दिखा दे रहा हूं, देखें ऐसे हैव अ टॉक विद समवन होता है, लेकिन टॉक टू समवन होता है, इस तरह स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा बिल्कुल 10th, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया, देखें अगर आप बिल्कुल इजी है कर सकते हैं ज्यादातर बच्चे आप में। द नंबर ऑफ केसेस, यानी जो केसेस की संख्या है, हैव मल्टीप्लाइड, कई गुना बढ़ गई है, सेवरल फुल मींस कई गुना मल्टीप्लाइड बढ़ गई, क्या गलत है बच्चों, बहुत आसान तुरंत आना चाहिए। ये मैंने आपको केवल रिविजन के लिए दिया कि अ नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ ले तो आपका नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। ये ऐसे देख ले, मैं लिख दे रहा हूं, देखें अगर आपने अ नंबर ऑफ लिया तो भी और अ वैरायटी ऑफ लिया तो भी, इनके साथ आपका नाउन यानी इसके साथ जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अ वैरायटी आपके साथ भी यही होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर लेते हैं द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ, तो आपको क्या लेना होगा, अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, द नंबर ऑफ के साथ नाउन जो होगा ये प्रोनाउन वो अभी वही रहेगा बच्चों, पीसन प्लूरल काउंटेबल नंबर ही रहेगा, लेकिन जो वर्ब रहेगी वो अब एसवी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यहां भी वही चीज बिल्कुल होगा, नाउन प्रोनाउन अभी भी क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा आपका, यानी पीसन ही रहेगा, लेकिन जो वर्ब रहेगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। याद रखेंगे एक आपके काम आएगा, अगर आपके मन में एक वर्ड चल रहा हो तो मैं वो भी यहीं पे आपको दे दे रहा हूं, देखें वो है अ मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ, इनके साथ नाउन तो आपका प्लूरल आना ही है, अ मेजॉरिटी ऑफ प्लस पीसीएन, और वर्ब भी यहां प्लूरल आनी है, पीवी नीचे आ जाते हैं, यहां भी वही है, द मेजॉरिटी ऑफ रहेगा तब भी आपको प्लूरल नाउन लेना है, और सबसे बड़ी चीज तब भी आपको प्लूरल वर्ब लेनी है, ये होता है। लेकिन कहीं अगर केवल द मेजॉरिटी हो, द मेजॉरिटी, तो आप स्वतंत्र हैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेने के लिए भी और प्लूरल वर्ब लेने के लिए भी, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा दे रहा हूं, ये आपको देख लें लास्ट वाला, द मेजॉरिटी इज इन अ फेवर, इज मैंने ले लिया, लेकिन द मेजॉरिटी आर इन फेवर, दोनों लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन जैसे ही अ मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ आया तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ये 10 कॉमन एरर्स आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी दे रहा हूं उनके साथ, ये चीजें आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके और भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस फिलर आपके सामने है, विद अ पॉपुलेशन क्लोज डॉट डॉट 1 lakh दैट लिव्स चीक बाई जाउल, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज एन इम्पॉसिबल लग्जरी, क्या होगा।
ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है आपका. विद अ पॉपुलेशन क्लोज डैश, क्लोज बाई होगा, क्लोज विद होगा, क्लोज टू होगा या क्लोज एट होगा. अगर आपको एक टूल पढ़ी हो अच्छे से याद होगा, विद अ पॉपुलेशन क्लोज टू, यानी लगभग के सेंस में हम क्लोज टू का प्रयोग करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. दूसरा प्रश्न आपके सामने है. अ सेंट्रल टीम हैज इंडिकेटेड दैट नियरली 3000 पीपल डॉट डॉट नीड इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन. क्या होगा? 3000 पीपल माइट नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या मस्ट नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या शुड नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या यूज्ड टू नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन. अगर आपको इट रूल याद हो तो यहां क्या हो जाएगा? माइट. क्यों हो जाएगा? मस्ट से क्या हो जाएगा? सिवल्टी होगी. कहीं कहीं कंपल्सरी बना दे, मैंडेटरी बना दिया जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है. शुड क्यों नहीं होगा? क्योंकि किया जाना चाहिए से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि वहां जो एट्रल में वाक्य का भाव था वही था कि इतने लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता है. और यूज टू का यहां कोई मतलब नहीं है, वो तो पास्ट की आदत आपको शो करता है. तो यहां पे माइट. और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया कुड लुक डॉट डॉट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर. याद है आपको, किसी की तरफ देखना लुक क्या हो जाएगा? अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लुक एट. अब इस तरफ देखे तो जाएगा इंडिया कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. और ये आज मेरा सिर्फ एक प्रश्न है मेरा सेंटेंस अरेंजमेंट का. जो बच्चे आप में मॉडरेट लेवल पे हो वो बच्चे थोड़ी थोड़ी यहां मेहनत करें, जो बच्चे आप में अच्छे हो वो बच्चे करके जल्दी से दिखा दें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा. ये समझ रहे हैं ना, चारों को सही क्रम में रखना है, पहले सब्जेक्ट वाला हिस्सा, फिर उसके बाद वाला, इस तरह से आगे बढ़ना आपको. तो आप कौन सा हिस्सा पहले रखेंगे आप इस चारों में, उसके हिसाब से जोड़ते जाइए आप. ये मैंने इसी पैसेज से आपको बना के दिया है. मैंने कहा ना, अगर आप पैसेज को एटेरोल अच्छे से पढ़ें तो धीरे धीरे आपको धीरे समझ में आ जाएगा. जो बच्चे समझ रहे हो वो समझ गए होंगे किसका आंसर पी क्यू आर एस तो होगा नहीं, क्योंकि पी कभी पहले आ ही नहीं सकता है देन फोर टाइम्स. तो हम ये वाला जो मैटर है वो फिनिश करते हैं, ये हमने एलिमिनेट कर दिया. दूसरा है आर पी क्यू एस. बिल्कुल देखते हैं, पहले में आर, इट हैज द मोस्ट नंबर, सही है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है आपका. फिर है आर पी, तो इट हैज द मोस्ट नंबर देन फोर टाइम्स नहीं आएगा बच्चों. इट हैज द मोस्ट नंबर देन फोर टाइम्स कैसे आ सकता, मोस्ट नंबर देन फोर टाइम्स, यानी ये पोर्शन भी आपका गलत है. नेक्स्ट आपका है आर क्यू पी एस, तो आर तो रहेगा ही सबसे पहले, और यहां देखिए आर नहीं है ना, तो ये काट दे. अब हमारे पास 50-50, इन्हीं में से हमको देखना है कि आर के बाद पी लेना है या आर के बाद क्यू लेना है. तो आर के बाद तो पी आ ही नहीं रहा है, तो हर हाल में आर के बाद क्यू आ जाए. कैसे देखें, इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, है ना, मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली, अ लिटिल मोर देन फोर टाइम्स, और लिटिल मोर के बाद जब भी आएगा क्या आएगा, देन. दूसरा भी आपके पास तरीका है, जो बच्चे अच्छे हो, जब भी आएगा क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा. जब भी आएगा क्यू के बाद पी, क्यों? क्योंकि यहां अ लिटिल मोर है, तो इसके बाद जब भी आएगा ये पोर्शन आएगा देन फोर टाइम्स. अब आप देख लें क्यू के बाद पी किसमें है, क्या यहां क्यू के बाद पी है, नहीं. क्या यहां क्यू के बाद पी है, नहीं. क्या यहां Q के बाद P है, बिल्कुल है. देखें क्या यहां Q के बाद P है, नहीं. ऐसे भी आप चाहें तो छांट सकते हैं. ठीक है, ये एक छोटा सेगमेंट आज मैंने सरसरी निगाह के लिए दिया, पर्सनल लुक के लिए दिया, कि आप देख लें. और आगे ये पोर्शन मैं आपको रेगुलर दूंगा धीरे धीरे, ताकि इसमें भी आप बेहतर बने और एक समय ऐसा आए जहां आप हर चीज में पारंगत हो, चाहे सी हो, चाहे इवन सीजन लेवल पे हो या प्री लेवल पे हो, या फिर आप आगे किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, वो चीजें इंग्लिश ग्रुप में आपको कभी बाधा न बने. चलिए मिलते हैं अभी 7 बजे वर्ब के पार्ट 4 के साथ, जहां मैं आपको
आज और भी बेहतर तरीके समझाऊंगा कि उन चीजों को हमको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।